जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव के भारतीय जनता पार्टी महायुति के अधिकृत उम्मीदवार कीर्ति धनराज पडोले, सुनीता नीलेश बुचुंडे, रोकड़े मैडम इनके चुनाव प्रचार के लिए बेसा चौक पर देवेंद्र फडणवीस इनकी चंकी जाहिर सभा ली गई। इस मौके पर हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला परिषद व पंचायत समिति सार्वत्रिक चुनाव 2020 भारतीय जनता पार्टी रिपाई आठोले बरियम रासपा शिव संग्राम महागठबंधन के अधिकृत लोकप्रिय बेसा डोंगरगांव जिला परिषद सर्कल की उम्मीदवार कीर्ति धनराज बडोले, बेसा पंचायत समिति सर्कल की उम्मीदवार सुनीता नीलेश बुचुंडे, डोंगरगांव पंचायत समिति उम्मीदवार शुभांगी ताराचंद रोकड़े इनके चुनाव प्रचार सभा का आयोजन बेसा परिसर चौक में किया गया था। आयोजित इस भव्य प्रचार सभा में दूर दराज से खास तौर पर बेसा, बेलतोरडी और डोंगरगांव से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जाहिर सभा परिसर में भारतीय जनता पार्टी के झंडे और बैनर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। मंच से वारे कमल आ गया कमल के नारे लगाए गए। जैसे ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आगमन हुआ तो नारों की गूंज से पूरा क्षेत्र सराबोर हो उठा था। मंच पर देवेंद्र फडणवीस का आगमन होते ही बड़ी पुष्पमाला से उनका स्वागत किया गया। मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने विचार व्यक्त किए। सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हणून आणि पुढचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून जे सर्वात यशस्वी व्यक्तिमत्व आहे असे माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आपल्यात आले आहेत। एकदा जोरात टाळ्या वाजवून त्यांचं आपण पहिले स्वागत करू। शिवसेना द्वारा किए गए राजनीति को लेकर तो शहर की विकास गंगा तक की तमाम बातें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने भाषण के दौरान बताई। भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। मंचावर उपस्थित आता ज्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं आणि पुढच्या सभेला गेले ते या जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आणि खऱ्या अर्थाने बेसा बेलतरोडीचा कायापालट ज्यांनी केला। मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आपल्या जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार कीर्तिताई बडोले, पंचायत समितीच्या उमेदवार शुभांगीताई रोकडे, सुनीताताई बुचुंडे, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित माझ्या सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, 7 तारखेला जिल्हा परिषदेची निवडणूक या ठिकाणी होणार आहे। नुकतंच 2020 हे वर्ष सुरू झालंय, या वर्षातली ही पहिली निवडणूक आहे आणि त्यामुळे या निवडणुकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे। शिवसेवाचं म्हणून येणाऱ्या 7 तारखेला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या दोन्ही आणि तिन्ही उमेदवाराला आपल्याला भरघोस विक्रमादित्य मताने निवडून आणायचं आहे। त्यामुळे आपले तिन्ही बटन दाबायचे आणि प्रचंड बहुमताने सम्राटच्या उमेदवाराला निवडून द्यायचे आणि असाच विकास कामाचा झपाटा आपला सुरू ठेवायचा। आपले पुन्हा एकदा सगळ्यांचे आभार आणि ही सभा आश्वस्त आहे। भारतीय जनता पार्टी ही पूरा विकास कर सकती है। आप क्या कहना चाहोगे? अभी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और कमल ही खिलेगा बेसा में। बेसा में कमल ही खिलेगा। देवेंद्र फडणवीस जी आए, देवेंद्र फडणवीस जी आए, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके पहले एक बार आए थे पानी के नल के योजना के बारे योजना के समय, अभी आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, ये जिस प्रकार से कार्यकर्ता ने कहा, कुछ उम्मीदवार हमारे साथ में यहाँ पे है, चलिए उनसे भी बात करते हैं हम लोग। दर्शकों नमस्कार, इस समय में INBCN की टीम खड़ी है बेसा चौक के परिसर में, जहाँ पे हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने जंगी जाहिर सभा ली थी। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जिला परिषद पंचायत समिति की जो सार्वत्रिक जो चुनाव 2020 है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी रिपाई और बरियम रासपा शिव संग्राम महायुति के जो अधिकृत लोकप्रिय उम्मीदवार जो है, जैसे कि कीर्ति बडोले है, सुचिता बुचंडे है और रोकड़े मैडम है, ये तमाम उम्मीदवारों के प्रचारार्थ आज यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस आए थे। इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए भरघोस उन्होंने कोशिश की और कई बातों का ऐसा रेफरेंस दिया, जिसके चलते चंद्रशेखर बावनकुले ने जिस प्रकार से इस परिसर का विकास करने के लिए जो निधि लाया था उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। और ये जो 3 उम्मीदवार हैं, इनको खास तौर पे कैसे किस तरह से चुनाव जीता जाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं में एक जो एक ताकत और एक जोश जो आज भरा वो देखने का मिलता है। इस समय में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अजय बोडारे, जो कि आज के इस कार्यक्रम में बेहतरीन जिन्होंने संयोजक के रूप में काम किया हुआ है। अजय जी, ये बताए कि कैसा लग रहा है आज ये प्रोग्राम होने के बाद, क्या महसूस कर रहे हो और क्या आपकी प्रतिक्रियाएं हैं? अभी आने वाले
सात तारीख को हमारे जिला बेसा जिला परिषद और डोंगरा जिला परिषद का चुनाव है। इस चुनाव में हमारे कीर्तिताई बड़ोले जिला परिषद सदस्य के रूप में खड़ी है। दूसरे हमारे पंचायत समिति के उम्मीदवार है सुंदरताई बुचुंडे और डोंगरगांव पंचायत समिति से हमारे जो उम्मीदवार है शुभांगीताई रोकड़े। इस निवडणूक प्रचारार्थ हेतु या हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, ये बताएं कि आखिरकार क्यों आपके उम्मीदवार को चुनाव जीतने क्यों जीता के देना चाहिए, ऐसा क्या है? बेसा डोंगरगांव में हमारे माजी पालक मंत्री बावनकुड़े साहब ने विकास काम का यहाँ पे अनेक काम किए हुए हैं और लोगों से जो प्रवाह आ रहा था, लोगों के विचार आ रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो उलाढ़ाल हुई है इसके बारे में सीएम साहब हमको यहाँ आए, हमें मार्गदर्शन करें और बेसा के लोगों का उत्साह बढ़ाए। इस माध्यम से हमने सभा यहाँ पे आयोजित की थी, 4000 के ऊपर लोग इस सभा में आए और इस सभा के माध्यम से पूरा बेसा डोंगरगांव जिला पर सर्कल में एक अच्छा वातावरण निर्माण हुआ है और हमारे तीनों उम्मीदवार ये अच्छे बहुमत से चुन के आने वाले हैं, ये भरोसा मैं आपको यहाँ पे दिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो आप तो अजय बड़ोरे जिन्होंने बखूबी बेवा के साथ बात भारतीय जनता पार्टी बखूबी बेवा के साथ बात करते हुए ये बताया कि इनके जो तीनों उम्मीदवार है भारी बहुमत से चुन के जीत के आने वाले। इस समय में एक उम्मीदवार रोकड़े मैडम हमारे साथ में। मैम ये बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ पे चुन के आने के बाद, सबसे पहले कौन से काम को आप महत्व या प्रायोरिटी देने वाली हो? अभी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो जो अभी बावनकुड़े साहब ने किए हैं काम और जो आगे आने वाली जो योजनाएं हैं उनका लाभ मैं अब डोंगरगांव सर्कल में सब योजनाओं का लाभ सबको देने का प्रयत्न करूंगी और सभी योजना सभी गरीबों तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगी। बिल्कुल, इस समय में कीर्ति बड़ोले हमारे साथ में। कीर्ति मैडम ये बताइए कि ऐसी कौन सी समस्या है बेसा इस परिसर में कि जिसको सबसे पहले आप महत्व देना चाहते हो और काम करना चाहते हो? सबसे पहले तो हमारे जो बेसा से जो नाला गया है मैं उस वो नाले को थोड़ा सा खोल करके, क्योंकि पानी जब ज़्यादा आता है तो पानी हमारे कॉलोनी में घुस जाता है, तो पहले मैं उसके लिए कुछ करना चाहूँगी। और फिर जो निराधार योजना है जो विधवा लोग हैं उनके लिए मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जब गांव में गई मैं प्रचार के लिए तो वहाँ पर मुझे ऐसा समझ में आया कि जो बूढ़े लोग हैं अभी तक उनको ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी एज ही नहीं हुई है और उनको महीना चालू ही नहीं किया है, तो मैं सबसे पहले उनका कैंप लेके उनका महीना करवाना चाहूँगी और जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए भी महीना चालू करवाऊँगी। और तीनों उम्मीदवार भी काफ़ी पढ़े लिखे इस समय में, सुनीता भूचंडे भी हमारे साथ में। सुनीता मैडम ये बताइए कि आप सबसे पहले कौन से काम को महत्व दोगी चुन के अंदर? नमस्कार, काय करू इच्छित आपण मराठी बोला चालेल। मी आज या ठिकाणी आपणा सर्वांना सांगू इच्छिते की आज आम्ही मिहान परिवर्तन मिहान पुनर्वसन जे झालेलं आहे त्या ठिकाणी जे लेआउटचे जे लोक आहे हे 4-5 वर्षापासून त्या ठिकाणी आलेले आहे, पण अजूनही गावठाण जो परिसर आहे तो अजूनही त्या ठिकाणी आलेला नाही आहे आणि सगळेजण हेच वाट बघत आहे की आम्ही पण त्या ठिकाणी नवीन एरियामध्ये लवकरात लवकर जाण्याची आम्हाला परवानगी देण्यात यावी, हेच मी सगळ्यांसमोर सांगू इच्छिते की हे लवकरात लवकर करण्यात यावे। धन्यवाद। जिस तरह से कल चुनाव जो होने वाला है, आप जो कार्यकर्ता जो बूथ में जो लोग रहे हैं उनके लिए क्या आह्वान करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? कंगाली जी देखिए, आज से 15 साल से जो बावनकुड़े साहब ने काम किया है और जो बेसा का गांव के रूप में शहर में परिवर्तन किया है, मैं तो सभी नागरिकों से आह्वान करना चाहूँगा कि 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया बावनकुड़े साहब के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में और गटके साहब के नेतृत्व में, तो सभी को आह्वान करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार को चुन के दे ताकि कि पूरे नागपुर जिला में बेसा विद्रोह सरकार का नाम हो। बिल्कुल, तो आप थे तमाम पदाधिकारी जिन्होंने बखूबी और बेबक के साथ बात करते हुए कहा कि तीनों उम्मीदवार को भारी बहुमतों से चुनकर लाना है, यदि ये चुनकर आते हैं तो ये विकास का पूरी तरह से जो काम है जो बेसा है बेतोरड़ी है यहाँ के जो उपेक्षित जो काम है उनको पूरा करने का ये भरकस कोशिश करने वाले प्रयास करने वाले, चाहे बुजुर्ग हो छोटे बच्चे हो विद्यार्थी हो या युवा साथी हो या परिसर के नागरिक हो, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की इन्होंने आज कसम खाई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मतदाताओं का रुझान किस ओर रहेगा।
रहेगा और विजय का परचम कौन से पार्टी के लिए होगा और जो ऊंट का जो करवट है वो किस बाजू में बैठेगा, ये देखने वाली बात है। कुछ समय अभी बचा हुआ है, उसके बाद में चुनाव होंगे, चुनाव का मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो विजय परचम लहराएगा, हो सकता है उनमें ये लोग भी रह सकते हैं या देखना होगा आगे में क्या होगा। आप देखते रहे इनबीसीएन न्यूज़। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़।